नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी किचन चैनल। दोस्तों आज के इस एपिसोड में आप लोगों के लिए मलाई पनीर रेसिपी लेके आया हूं, जो कि बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट बनती है, साथ ही बच्चे और बड़े सभी को काफी पसंद आते हैं। और इस वीडियो में मैंने इसे स्वादिष्ट बनाने के सारे सीक्रेट बताए, क्या चीज कब डालना चाहिए। दोस्तों आप खुद ही देख रहे होंगे कितना लजीज, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का दिख रहा है ये। मैं तो ये कहता हूँ कि रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनेगा, आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया ये यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज, इसे छोटे छोटे स्लाइसेज में काट लिया हमने। इसके बाद एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, टमाटर को भी छोटे छोटे स्लाइसेज में काट लेना है। और इसके बाद 6 से 7 लहसुन की कली लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ पे सबसे मेन चीज जो ग्रेवी को टेस्टी बनाता है, 50 ग्राम काजू लिया हमने यहाँ पे। मसाले में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक एज पर टेस्ट, जीरा है और साथ ही हींग का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। इसके बाद शाही पनीर मसाला लिया हमने यहाँ पे, और इसको कब डालना है आप पूरा वीडियो देखिए। साथ ही हमने लिया यहाँ पे 250 ग्राम पनीर, इसको छोटे छोटे स्क्वायर शेप में हमने काट लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों एक फ्राई पैन लिया है, उसमें डाल दिया हमने सरसों तेल, साथ ही 1 चम्मच जीरा। जीरा के बाद हमने जो 50 ग्राम काजू था हमारे पास, इस काजू को डाल दिया है, और साथ ही 6 से 7 जो लहसुन कली थी हमारे पास वो डाल दिया है। एक मीडियम साइज का प्याज जिसे हमने स्लाइस करके रखा था उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब क्या करना है हमें, इस प्याज को करीब 3 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए इसे बिल्कुल चलाते रहना है, इसे हम छोड़ना नहीं है। और चलाते हुए अगर हम नहीं पकाएंगे तो प्याज हमारा जल जाएगा। इसके बाद हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च, और 3 से 4 हरी मिर्च 3 मिनट तक प्याज को फ्राई करने के जस्ट बाद 3 से 4 हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद अब हम जो एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, इस टमाटर को भी हमें इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए टमाटर हमने छोटे छोटे स्लाइसेज में काट लिए हैं। और टमाटर डालने के बाद दोस्तों फिर से आपको इसे 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। और टमाटर डालने के साथ ही हमें इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक की क्वांटिटी जितनी हम ग्रेवी बनाएंगे उस हिसाब से एक ही बार डाल देंगे, बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एज पर टेस्ट आपको नमक डालना है इसमें। और टमाटर डालने जैसे ही हम नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा सा आप इस टाइम पे गैस का फ्लेम हाई कर लीजिए। थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई करते हुए इसको चलाते हुए फिर से टमाटर डालने के बाद 3 मिनट तक हम ऐसे ही चलाते रहेंगे इसे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन फ्राई नहीं करना है। और जब आपको थोड़ी देर पकाने के बाद कुछ कुछ इस फॉर्म में दिखने लगे तो इसी टाइम पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसे जार में अप्लाई करना है, और जार में डालने के बाद इसका क्या करना है, पेस्ट बना लेंगे हम। अब ये देखिए पेस्ट मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सेम फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है हमने क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर थे, साथ ही एक बटर टिक्की डाल दिया है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम धीमा रखेंगे, नहीं तो आपका बटर जल सकता है। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले खड़ा मसाला, दालचीनी है, जावित्री है, स्टारफुल है, लौंग है, छोटी इलायची और बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया हमने खड़े मसाले में। और साथ ही एक चुटकी यहाँ पे हमने खड़ा मसाला डालने के जस्ट बाद एक चुटकी हींग डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा मसाले को ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा इसे भून लेना है मसाले को बटर में। ये देखिए हमारा बटर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेल्ड हो चुका है। और इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और जब हम ये मसाला डाल रहे होते हैं तो इस टाइम पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। अगर हम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो क्या होता है, मसाला जलने लगता है। और इसके बाद हम जस्ट बाद डाल देंगे थोड़ा सा फ्राई मसाला, फ्राई करने के बाद जो प्याज का पेस्ट बन। यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्याज लहसुन काजू टमाटर को फ्राई करके हमने पेस्ट बनाया था वही पेस्ट हमें इसमें ऐड कर देना है। और इसको परफेक्ट तरीके से 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे। और जो थोड़ा बहुत हमारे जार में बचा हुआ मसाला है मसाला, उसको थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें हमें ऐड कर देना है। हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, फिर से इसे चलाते हुए बिल्कुल पकाना है। ये देखिए ग्रेवी अगर आपको लगे ठीक है तो इसमें हमने ऐड कर दिया 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी डालने के बाद दोस्तों क्या करना है,
किसी भी सब्जी की सब्जी को अगर स्वादिष्ट बनाना है तो उसकी सबसे मेन चीज़ हो जाती है उसकी ग्रेवी स्वादिष्ट बननी चाहिए, और उस ग्रेवी को परफेक्ट तरीके से टाइम देते हुए हम पकाएंगे। साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप। अगर आप टोमेटो केचप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप 1 चम्मच चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमें गैस का फ्लेम थोड़ा सा धीमा कर लेना है, क्योंकि अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अमूल क्रीम। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच हमने अमूल क्रीम का इस्तेमाल किया है कि जो इस ग्रेवी को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। अमूल क्रीम डालने के साथ ही तुरंत हमें इसे चलाना है फेरते हुए, नहीं तो क्या होगा, हमारा क्रीम फट सकता है। तो दोस्तों जैसे ही हम क्रीम इसमें ऐड करेंगे इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि हमारा क्रीम फटे नहीं। और इसके बाद अब जो हमारे पास 250 ग्राम पनीर के छोटे छोटे पीसेस थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रेसिपी, अभी कुछ और सीक्रेट चीज़ें बताना जरूरी है। तो अभी अभी जाइए मत, पूरा वीडियो देख के जाइए आप। तो ये देखिए पनीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे हम पकाएंगे। इसके बाद अब इसमें हमने क्या डाला है, हमने डाला है शाही पनीर मसाला। तो दोस्तों अब आप कहोगे कि हमने इसे लास्ट में क्यों डाला है, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि शाही पनीर मसाला जो होता है ऑलरेडी रोस्टेड होता है, अगर हम लास्ट में डालते हैं इसको तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी ग्रेवी में, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। इसके बाद हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, आप गेस करके बताइए क्या। तो सबसे लास्ट में हमें इसमें ऐड कर देना है कस्तूरी मेथी, और इसको थोड़ा सा हाथों से तोड़ करके हमने इसमें ऐड कर दिया है दोस्तों, जो कि इस ग्रेवी को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दिखने में बिल्कुल परफेक्ट हमारी ग्रेवी भी बनी है और पनीर भी बिल्कुल अच्छा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस ग्रेवी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है आपको, तभी इसका स्वाद बिल्कुल परफेक्ट टाइप का आ पाएगा। दोस्तों हमने तो इसे टेस्ट किया, बहुत ही स्वादिष्ट बना और रेस्टोरेंट से भी अच्छा लगा मुझे स्वाद। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी इस टाइप से बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अब आ जाते हैं, हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है, अब आ जाते हैं इसकी प्लेटिंग पे, और सर्व करने के लिए अब हम निकालेंगे इसे एक प्लेट में। दोस्तों देख रहे हैं ना, इसकी ग्रेवी बिल्कुल जैसा कि आप मार्केट में जाते हैं उस टाइप का बना है। दोस्तों इसका स्वाद भी बिल्कुल परफेक्ट आया था। जी हाँ दोस्तों, उम्दा किस्म की हमारी मलाई पनीर रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों इसे मैंने तो टेस्ट किया था दोस्तों, बहुत ही यम्मी टाइप का टेस्ट आया था इसका। काश मैं आप लोगों को भी इसको टेस्ट करवा पाता, बट कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को इस टाइप का उम्दा किस्म का लजीज टाइप का मलाई पनीर बनाना है तो आप मेरे फॉर्मूले से बनाइए दोस्तों, मैं दावा करता हूँ कि मार्केट का टेस्ट आप भूल जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही देसी किचन चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे आते रहिए और नई नई रेसिपी का लुत्फ उठाते रहिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।